हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 12,000 के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी कम कीमत में एक बढ़िया बजट रेंजी स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन स्मार्टफोन्स के बारे में भी जिन्हें आप दिवाली वीक में सेल पर काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर खरीद सकेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे न्यू अपडेट्स को मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन की तरफ से। दोस्तों फर्स्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का ओप्पो की तरफ से A15। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 9,990 रुपीज। साथ ही इसमें आपको 3/32 रैम एंड रोम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही ऑक्टा कोर का मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जो कि हेल्प करेगा आपको गेमिंग में, एंड इस प्रोसेसर की मदद से आप अच्छी खासा गेमिंग का एक्सपीरियंस ले पाओगे। तो दोस्तों अगर बात करें इसके फोटोग्राफी फीचर्स की तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको इस फोन में ट्रिपल रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही फोन के फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का एक बढ़िया सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप बढ़िया सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। अगर बात करें इस फोन के अन्य फीचर्स के बारे में तो इसमें आपको 4230 mAh का एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा 10 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को। मतलब आपको इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। बात करें बैटरी की, प्रोसेसर की, तो सभी चीज में यह स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों सेकंड स्मार्टफोन है हमारी लिस्ट का Redmi की तरफ से Redmi Note 9। अगर बात करें इस फोन की प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 10,999 रुपीज। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले 4/64 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें अन्य फीचर्स की, डिस्प्ले फीचर्स की, तो इसमें आपको 6.53 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। साथ ही परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के लिए इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। एंड सबसे जरूरी यहां बैटरी बैकअप आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। 5020 mAh का आपको यहां बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फोन में आपको रियर पैनल पर 4 कैमरे देखने को मिलेंगे जबकि फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। इसके रियर पैनल में आपको 48 मेगापिक्सल का एक लेंस देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरे की तो इसमें आपको 13 मेगापिक्सल का एक जबरदस्त सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अच्छी खासा सेल्फी को क्लिक कर पाएंगे एंड आपके सामने ये फोन रख देगा। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हमारे लिस्ट के टॉप 2 स्मार्टफोन्स। आगे बने रहेंगे वीडियो में, आगे भी आने वाले स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें हमारी लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन के बारे में तो दोस्तों थर्ड स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से Y20i। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की एंड प्राइस की तो इसमें आपको 11,490 रुपए का प्राइस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 3 GB का रैम एंड 64 GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 6.51 इंचेस का एक HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 720x1600 पिक्सल का। साथ ही फोटोग्राफी के लिए इसमें आपको 13 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें 2 मेगापिक्सल के एक सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही सेल्फी के लिए इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के लिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही बैटरी के लिए इसमें आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी जो आपके फोन को सिंगल चार्ज में काफी ज्यादा लंबा बैकअप प्रोवाइड कराएगी। तो दोस्तों ये रहे कुछ टॉप 3 स्मार्टफोन्स हमारे लिस्ट के। आगे भी 2 स्मार्टफोन्स बचे हैं तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों चौथा स्मार्टफोन हमारे लिस्ट का Realme की तरफ से Narzo 20। अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 11,499 रुपीज। इसके स्टोरेज ऑप्शन की बात करें तो इसका जो स्टोरेज ऑप्शन है इस प्राइस रेंज पर आपको मिलेगा 4 GB का रैम एंड 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन। बात करेंगे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के लिए सेम इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो गेमिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। साथ ही इसमें आपको पर बैटरी के लिए 6000 mAh का बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा एंड 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफी के लिए बात करें तो इस फोन में आपको
फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसका पहला सेंसर होगा 48 मेगापिक्सल का एंड सेकंड सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और तीसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस। साथ ही फोन के फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन को आप बाय कर सकते हैं बिकॉज ये हमारी लिस्ट का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M11। अगर बात करें इस फोन के प्राइस की तो इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 11,499 रुपीज, जिसमें आपको 4+64 GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.4 इंचेस का एक HD+ इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा और स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अच्छी खासा गेमिंग कर पाएंगे। के अलावा इस फोन में आपको 5000 एमएच का एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको सिंगल चार्ज में एक लंबा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। अगर बात करें इसके फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की तो इसमें आपको 15 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो आपके फोन को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। अन्य स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फोन में आपको ट्रिपल रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और दूसरा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और तीसरा आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें वहीं इसके फ्रंट कैमरे की तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रहे टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो आते हैं अंडर 12,000 की प्राइस पर। तो दोस्तों आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, बट अगर मेरे ओपिनियन से अगर आप स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हैं तो दोस्तों आप रियलमी नार्जो 20 और सैमसंग का M11 स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।